तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग मैजिक और फैंटेसी वेब सीरीज पसंद करते हो तो भाई इस वेब सीरीज को देखो, आप पक्का एंजॉय करने वाले हो। इसके दो सीजन हैं, हिंदी में अवेलेबल हैं प्राइम वीडियो के ऊपर। तो फटाफट बात करते हैं कि भाई कैसा रहा सीजन टू, क्योंकि इसके सारे एपिसोड जो है अब हिंदी में रिलीज हो चुके हैं, 8 एपिसोड हैं। तो भाई यहाँ पे जो 7 एपिसोड हैं उसकी मैं बात करूँ तो भाई 50-50 मुझे लगे। सिर्फ एक एपिसोड सारे सीजन का मुझे सबसे अच्छा लगा, वो था लास्ट एपिसोड 8, इसके बारे में बाद में, पहले 7 के बारे में बात करता हूँ। तो भाई यहाँ पे जो 7 का जो मुझे 50-50 ऐसा इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे जो सीन्स थे, यहाँ पे स्क्रीनिंग हुई है, जो 50% स्क्रीनिंग हुई वो है नाइट वाली। तो भाई मैंने इवन नाइट लाइट ऑफ करके देख रहा था, तब भी जो है मुझे सीन काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहे थे, क्योंकि मैं HD में देख रहा था, 4K में, फिर भी वो क्लियर नहीं हो रहे थे। तो मुझे वो डिसपॉइंटिंग इसकी जो लगी, मुझे बात वो लगी। और उसके अलावा जो भी इसके नेचुरल डे के सीन थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, अच्छी कास्टिंग थी इनकी, अच्छे इन्होंने जो इनकी ड्रेसिंग वगैरह होती है, लोकेशंस होती हैं, सारी सारी चीज़ें एक नंबर दी। और यहाँ पे जो 7 एपिसोड हैं उनमें जो हमारे करेक्टर की बहुत पावर्स नहीं दिखाई हैं, जो हम लोग देखना चाहते हैं कि भाई पावर हो, कुछ मतलब लड़ रहा है, तो उस टाइप का हमें दिखा नहीं। बस स्टोरी को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, बस इनको लास्ट एपिसोड करना था, तो धीरे धीरे बस स्टोरी को खींच खींच के एक एक घंटे का एपिसोड इन्होंने बना दिया। बस बंदे की बातें ही करते रहे सारे, बस कैसे पहुंचना है, ड्रैगन क्या है क्या नहीं, बस वो इसी के चक्कर में रहे। मुझे लगा कि भाई कुछ पावर्स दिखाएंगे, लड़ाई झगड़ा होगा जैसा कि सीज़न 1 में हुआ था। भाई सीज़न 2 से अच्छा, सच बोलूँ सीज़न 1 है जिसमें हमको अच्छा खासा मज़ा आता है। सीज़न 2 का एपिसोड 8 के बारे में बात करूं तो भाई उसमें ही मज़ा आया, भाई गूज़बम्स आए। यहाँ पे हमें रैंड की पावर दिखाई गई जो कि अपनी पावर्स का यूज़ करता है, मज़ा आ गया देख के पहली बार। उसके बाद हमें सबसे बुरा, सॉरी उसके बाद मुझे सबसे बुरा इस बंदे के लिए लगा पेरिन, जो कि भेड़िया हमारा। भाई ये बंदा जो था, मतलब इसकी पावर्स को दिखाते ना भाई मज़ा आ जाता सीरीज़ में। जब मुझे लगा कि भाई ये लास्ट एपिसोड में जब भी फाइट होगी तो कन्वर्ट वगैरह होगा भेड़िया में, पर ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने, बस थोड़ा सा दिखा दिया और बेचारे का सीन ख़त्म कर दिया। उसके बाद हमारे इग्वेन का अच्छा खासा सीन दिखाया, जहाँ पे इसकी पावर्स को, यानी कि जो कि विलेन को ही अच्छी खासी टक्कर दे रही होती है। और यहाँ पे उससे भी अच्छा सीन यहाँ पे मैट वाला था, मुझे लगा कि रैंड को मार देगा ये, और मारा भी, पर जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, मतलब उस तरीके से नहीं मारा, एक गलती से मारा था इसने। पर भाई जो बजाता है, मतलब जो लड़ता है ना भाई हीरोइक रूप में, ये भाई मज़ा आ गया, इसका रोल देख के मुझे मज़ा आ गया, ठीक है। और सारी लगभग सीन्स अच्छे थे। यहाँ पे लास्ट में मोरेन की भी पावर्स आ जाती हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, और यहाँ पे लास्ट में ड्रैगन भविष्यवाणी कर देता है। और इसके बाद में जो लास्ट में एक विलेन बच गया था, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो वो सस्पेंस क्रिएट किया गया है, यानी कि जो राक्षस थी लड़की, तो क्योंकि आगे का सीज़न इन्हें लाना है तो हो सकता है 2024 या 25 तक आए, मे बी आ सकता है, क्योंकि स्टोरी इस तरह से इन्होंने छोड़ी हुई है, तो डिपेंड करता है इस शो के क्रिएटर के ऊपर। तो दोस्तों अगर जिसने देख लिया तो भाई बताओ कैसी लगी, जिसने नहीं देखी जाके देखो और फिर बताओ कैसी लगी।